भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, देश के कोने कोने से यहां इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई बहन, देश के 70 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेरे सभी साथी, अन्य महानुभाव और मेरे परिवारजनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें। और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं। गांव गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को
दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है, और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था, तो वहाँ कुछ समय था तो मुझे वहाँ के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको,
कि भाई यहाँ इस चीज़ों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगाई से महंगे पैसे दे करके भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। आप सभी हाथ से अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने, हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में
अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे, ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2,00,000 रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी, उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना, मैं करूं तो खूब ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो रुक जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले बस, और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदे जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो, मेरे वह परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है।
कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है और यशोभूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गतिशक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से, कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी लोग वहां भी कर देते हैं, यहां तो 140 करोड़ की आबादी है, जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा
जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक धार्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशो भूमि ये ऐसे सेंटर हैं, वो दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशो भूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशो भूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशो भूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्में के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशो भूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशो भूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशो भूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उस नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशो भूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।